आप अपना चार्जिंग सॉकेट देख लीजिएगा, फिर उसके बाद जो उसकी इनिशियल लाइन होती है, सबसे प्राइमरी लाइन है, वो चेक कीजिएगा। जैसे कोड रजिस्टर हो गया या आईसी हो गई, ये फ्यूज़ चेक कर लीजिएगा। फ्यूज़ तो ये है 11 प्रो मैक्स जो कि हमें आया था हमारे पास डेड। यही चीज़ सबसे बेस्ट होती है कि इस फील्ड में पैसे, मतलब कोई सीमा नहीं है पैसे कमाने की, बट वो वही बत्ती कमा पाएगा जो नॉलेज रखेगा। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप इसमें कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर शॉर्ट किलर ने अपना काम कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपेसिटर थोड़ा सा हल्का सा जल गया है, आप देखिए काला पड़ गया है। तो ये शॉर्ट किलर है आई शॉर्ट प्रो, एक मैकेनिक का 30 एम्पियर, और ये यहाँ पे दावा करता है कि एक सेकेंड में ये शॉर्टिंग निकालेगा कि नहीं निकालेगा। तो ये 11 प्रो मैक्स है, हम इसकी शॉर्टिंग निकालेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे लिखा भी है किसका नाम है, क्या नंबर है, किस भाई का है। तो ये बेसिकली डैड में था। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। तो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? यार आज बहुत टाइम बाद एक वीडियो फिर से डाल रहा हूँ। ये वीडियो रहेगा इस शॉर्ट किलर के लिए, आप इसको देख सकते हैं। तो ये शॉर्ट किलर है आई शॉर्ट प्रो, एक मैकेनिक का 30 एम्पियर, और ये यहाँ पे दावा करता है कि एक सेकेंड में ये शॉर्टिंग निकालेगा कि नहीं निकालेगा। तो दावे तो इसके कुछ इसी तरीके से हैं। तो आइए चले देखते हैं इसका दावा कितना सही है। ये मैंने परचेस किया ZX मलिक से, आप इनसे परचेस कर सकते हैं, उनका नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, बाकी नीचे आप इनका नंबर ले सकते हैं, ठीक है। आप इससे नीचे नंबर आप इनको आप चाहें तो ये परचेस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा एक प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट के अंदर क्या निकला ये देखो। सो इस तरह का प्रोडक्ट है, आप देखिए बहुत हल्का सा है, एक नॉर्मल डिवाइस, ये बहुत यूनिक सा है, इसमें कोई बटन नहीं दिए, एक प्रोब दिए हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी जो यूनिटी में देते हैं, यूनिटी के मल्टीमीटर में मिलता है, 1000 वोल्ट मैक्सिमम झेलने की क्षमता वाले एक प्रोब्स, ठीक है। और प्रोब्स देख के समझ में आ जाता है ये एक ओरिजिनल प्रोडक्ट है, कॉपी नहीं है, और काफ़ी हल्का, ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा कुछ इसमें होगा। चलो ठीक है, इसको हम खोल के भी देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, कॉम्पोनेंट्स क्या लगे हो सकते हैं, तो ये भी हम देखेंगे ये वीडियो में, देखेंगे कि क्या क्या लगा हो सकता है। चलो ये भी हम देख लेंगे कि इसके अंदर क्या क्या लगा हो सकता है, एक बार मैं इसके अंदर खोल के जरूर दिखा दूंगा। दूसरा हम बात करते हैं कि आइए इसको चेक करें। तो देखो शॉर्ट किलर को चेक करने के लिए तो भैया आपको चाहिए एक ऐसा फ़ोन जो शॉर्टिंग पे हो, है ना, जिसमें किसी भी प्रकार की शॉर्टिंग हो, हाफ शॉर्टिंग हो, फुल शॉर्टिंग हो, माइक्रो लेवल की शॉर्टिंग हो, नैनो लेवल की शॉर्टिंग हो, अलग अलग शॉर्टिंग आती है एम्पियर के हिसाब से। सो अगर मैं बात करूँ तो शॉर्टिंग के लिए मेरे पास एक 11 प्रो मैक्स अभी आया है, और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये तो ये 11 प्रो मैक्स है, हम इसकी शॉर्टिंग निकालेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे लिखा भी है किसका नाम है, क्या नंबर है, किस भाई का है। तो ये बेसिकली डैड में था और चार्जिंग, तो फिलहाल डैड प्लस चार्जिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, कैमरा, ओके डैड प्लस कैमरा। सो पहले तो चालू कर लेते हैं, हो सकता है कि ये फ़ोन कैमरा बनाने के चक्कर में डैड हो गया है। तो दोस्तों इस फ़ोन को मैंने ना ऑलरेडी डिसेंबल कर चुका हूँ, क्योंकि इस फ़ोन पे ऑलरेडी मैं काम कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो ये देखो ये इसका फोल्डर है, तो आप देख सकते हैं ये इसका कैमरा है 11 प्रो मैक्स। तो अगर हम बात करेंगे, थंबनेल निकाल लेते हैं, बाद में फिर मिलता नहीं है अच्छा 11 प्रो मैक्स के साथ। तो शॉर्टिंग निकाल रहे हैं, आइए इस फ़ोन में देखेंगे। तो इसका मैंने जो पार्ट्स है वो सारे पार्ट्स इसमें डाल दिए हैं, स्क्रू की बात करें या किस या जो भी, अगर इसमें कैमरे या जो भी निकले या सेंसर वेंसर, तो हालांकि इसी में लगे रहते हैं। और ये मैंने PCB डिसेंबल की है इसकी, जो लेयर्स में होती है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो जो आप पीछे देख रहे हैं वो उसका एक पार्ट है,
अपर लेयर होती है दोस्तों, जिसमें आपका नैंड और आपका सीपीयू लगा होता है, और ये आपकी सेकेंड लेयर है, मतलब बेसिकली लोअर लेयर, ये आपकी लोअर लेयर है जिसके अंदर बेसबैंड, आपके वाईफाई सेक्शंस, एनएफसी और ये सारे सेक्शंस होते हैं, यहाँ पे सिम भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी निकाल कर रखा हुआ है। तो ये बोर्ड कुछ इस तरह से आया था, जिसको मैंने लेयर्स को पहले निकाला और अपने हीटिंग मशीन से, और इसके बाद अब हम सॉर्टिंग चेक कर रहे हैं। ऑलरेडी इसमें रोजिंग वोजिंग लगा के रखा हुआ है, पहले मैं आपको सॉर्टिंग बता देना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, फाइनली अगर मैं बात करूँ, ठीक है, हमने अपने मल्टीमीटर को बजट मोड डायोड मोड पे सेट करके रखा हुआ है, और यहाँ पे हमारा मल्टीमीटर लो ओम्स में बीप बजाता है, क्योंकि डायोड मोड पे ये ओम्स भी मोड मेजर कर रहा है लो। तो अगर यहाँ पे देखिए, ये इसकी नैंड है, अगर मैं इसके ऊपर का पार्ट रखूँ तो यहाँ पे बीप बजेगा, तो आपको मल्टीमीटर की एक्यूरेसी समझ में आएगी, ठीक है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो आइए इसको देखिए, तो मैंने रेड वाले सिरे को ग्राउंड पे किया है, और ये बैटरी कनेक्टर है, यहाँ चेक करूँगा, तो ये सिरा ग्राउंड होता है, ये सिरे पे देखिए यहाँ पर भी ग्राउंड आ रहा है, तो दोनों सिरे पे हमें ग्राउंड मिल रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे शॉर्टिंग है, ठीक है। अब इसके साथ ऊपर क्या क्या लगा हुआ है, तो आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर ना एक कॉम्पोनेंट लगा हुआ है, अब ये कॉम्पोनेंट निकला है, आप देख सकते हैं, तो पहले ये कॉम्पोनेंट ही तोड़ा होगा, और बट क्योंकि दोस्तों कभी भी ध्यान रखना, आईफोन में अगर शॉर्टिंग हो तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये सीखने के लिए तो आपको अगला कोई वीडियो देखना पड़ेगा। फिलहाल तो मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ, इस शॉर्ट किलर का यूज़ करने वाला हूँ। अब इस शॉर्ट किलर का कैसे यूज़ करूँगा मैं, तो अपनी USB की केबल को इससे लगा दूँगा, ये देखिए, अब यहाँ पे एक बत्ती जल गई है, लाइट बहुत हल्की सी, अब ये ऑन हो चुका है, अब इसको मैं यूज़ करूँगा शॉर्ट किलर को। तो कहाँ और कैसे यूज़ करता हूँ देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मेरे को शॉर्टिंग मिल रही है, मतलब मेरे को यहाँ पर VBAT की लाइन पे शॉर्टिंग है, प्राइमरी लाइनों पे शॉर्टिंग है, ठीक है। अब प्राइमरी लाइन मेरी कहाँ कहाँ से जुड़ी हुई है, तो ये सब कुछ दिखाने वाला हूँ, पर मैं इस वीडियो को जल्दी फास्ट बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं फ़िलहाल इस मोबाइल को नहीं समझाना चाहता, मैं समझाना चाहता हूँ मैकेनिक के शॉर्ट किलर को, ठीक है। तो आइए इस पर रोजिंग डाल देते हैं, और इसकी किसी ऐसी लाइन पर टच करते हैं जो VBAT से जुड़ी हुई है, तो देखिए यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हैं हमने हर जगह पे लगा दिया है। अब मैं कहाँ टच करूँगा, तो ये 11 Pro Max का बिट मैप है, और अगर मैं बात करूँ, मुझे यहाँ पे ये देखिए इस लाइन पर मुझे शॉर्टिंग मिल रही है, और अगर इस लाइन की मैं बात करूँगा तो ये यहाँ पर ऊपर फिलहाल यहाँ पर कनेक्ट हो रही है, एक ये कनेक्टर पे जा रही है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीन कंपोनेंट यहाँ पर, और इसी तरीके ये कनेक्टर पर ये यहाँ ऊपर शॉर्टिंग नहीं है, शॉर्टिंग इसके यहाँ पे CPU के पास वाली लेयर पे है, मतलब ये देखिए इसकी पावर लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, तो हम किसी भी एक कैपेसिटर पर जहाँ पर बीप आ रही होगी, हम वहाँ पर ये शॉर्ट कलर टच करेंगे और देखेंगे वहाँ पे क्या आ रहा है। मैं मल्टीमीटर टच करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये सिरा ग्राउंड है कि नहीं है, देखिए एक सिरे को यहाँ पे रख दिया, ठीक है, एक सिरे को यहाँ रख दिया, अब इसके साथ यहाँ पे टच कर रहा हूँ, अच्छा तो मैंने मल्टीमीटर ही पकड़ लिया था दोस्तों,
मैंने शॉर्ट किलर पकड़ लिया था। तो यहाँ ये दूसरा कैपेसिटर, यहाँ पर ये भी फुल शॉट बता रहा है, शॉट किलर है ये, कहाँ दिखा रहा है नोटिस कीजिएगा। अब मैं शॉर्ट किलर रखने वाला हूँ, वाह। सो नोटिस करो, यहाँ पर शॉर्ट किलर ने अपना काम कर दिया है, ये देखिए। तो यहाँ पर शॉर्ट किलर ने अपना काम कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपेसिटर थोड़ा सा हल्का सा जल गया है, ये देखिए। तो ये हालांकि इसने मेरा काम बहुत आसान कर दिया दोस्तों, और कुछ ही सेकंड, एक सेकंड, वाकई में एक सेकंड के अंदर इसने मेरा काम आसान कर दिया। और तकरीबन मेरे, अगर मैं 11 प्रो मैक्स की बात करूँ तो 3 से 3,500 या 4,000 तो मेरे बना ही दिए, क्योंकि ये डेड कंडीशन में आया था। और तकरीबन इस वीडियो से भले व्यू से कमा नहीं पाऊँ भले ही, बट मैं इस फ़ोन से तो ज़रूर 3 से 4,000 रुपये कमा लूँगा। तो आप नोटिस कर सकते हैं। तो आइए इस कैपेसिटर को पहले निकालते हैं और देखते हैं शॉर्टिंग गई कि नहीं गई, और फिर डायग्राम में भी समझते हैं कि कैपेसिटर कहाँ लगा था, ठीक है। सो ये वीडियो पे बने रहना क्योंकि वीडियो बहुत अच्छा है और काफ़ी नॉलेजेबल है। तो इसको हम हीट दे के नहीं निकालेंगे, हम इसको सोल्डिंग आयरन से निकालेंगे। सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों सोल्डिंग आयरन से निकालिए, क्योंकि अगर आप हीट देके निकालेंगे तो हो सकता है आईसी पेस्टेड हो, और अगर आप उखाड़ के निकालें तो हो सकता है पैड उखड़ गए हो। सो अभी मेरे पैड बिल्कुल नहीं उखड़े हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो दोनों पैड मेरे ओके हैं। अब मैं ये कैपेसिटर चेक कर लेता हूँ। चलिए अब वापस शॉर्टिंग चेक करते हैं, हमारे फ़ोन में शॉर्टिंग है या नहीं है। वेरी गुड। सो अब हमारे फ़ोन में शॉर्टिंग नहीं है, आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन में अब रीडिंग आ रही है 300। सो हमारा शॉर्टिंग निकल गया है, और ये शॉर्टिंग निकाला है इस मैक्स, इस आई शॉर्ट मैकेनिक में, और पैसे देके जा रहा है पहली बार में ही, तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि परचेस करें। अब इस बोर्ड को चेक करेंगे हम, अब इस बोर्ड को हम चेक करेंगे, थोड़ा साफ कर लेते हैं। और इसको क्लीन कर लेता हूँ थोड़ा सा, और अभी लेयर को बाद में लगा लूँगा। इस वीडियो में मैं लेयर नहीं लगाऊंगा, ये मैं बाद में कर लूँगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने डेडिकेट बनाया है सिर्फ शॉर्ट क्लियर के लिए, और जो कि एक प्रैक्टिकल वीडियो है, और वो भी 11 प्रो मैक्स। दोस्तों इस फील्ड में यही चीज़ सबसे बेस्ट होती है कि इस फील्ड में पैसे, मतलब कोई सीमा नहीं है पैसे कमाने की, बट वो वही व्यक्ति कमा पाएगा जो नॉलेज रखेगा। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप इसमें कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये आईफोन A13 का CPU है, क्योंकि 11 प्रो मैक्स लगा हुआ है, 11 प्रो मैक्स में 13 आ गया है। सो अगर मैं बात करूं, अब इसको कनेक्ट करते हैं और देखते हैं ये भी कुछ दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। देखिए अभी तो फ़िलहाल मैंने इसको ऐसा रख दिया है, नोटिस करना ये दोनों को इस तरीके से, बाद में अभी इसको सोल्ड कर लूँगा, ठीक है। और सिर्फ डिस्प्ले की केबल लगा के चेक कर लेता हूँ कि फ़ोन मेरा ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी मैं अब फ़ोन में इसको लगा लेता हूँ,
और जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, अभी ये दो अलग है, अभी इसको मैं फ़िलहाल ऐसा रख दे रहा हूँ और सिर्फ मैं अपना फ़ोन को चेक करूँगा कि मेरा वर्किंग है कि नहीं है। तो देखिए, चलिए केबल लगा के चेक कर लेते हैं। सो वेरी गुड। तो एक एम्पियर ले लिया दोस्तों, मेरा फ़ोन ऑन हो चुका है। अरे वाह, 2 एम्पियर है। सो मेरा फ़ोन ऑन हो चुका है, अभी बार डिस्प्ले चेक कर लेता हूँ मेरा। 2 एम्पियर ले लिए मेरे सेट ने। मैं आपको एम्पियर की मशीन तो नहीं दिखा पाऊंगा, ये देखिए। तो मेरा सेट ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो ये है 11 प्रो मैक्स जो कि हमें आया था हमारे पास डेड। ये देखिए, तो इसको तो पूरा पैक करूंगा ही मैं दोस्तों। ये वीडियो अलग ही था, एक आई शॉट किलर, इसको मल्टीफंक्शन शॉट किलर बोलते हैं, और ये मैकेनिक वालों का था। काफ़ी अच्छा ये, अगर मैं बात करूं ये शॉट किलर मेरे लिए तो अभी काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि इसने ये शॉट किलर मैंने 1500 रुपये का परचेस किया हुआ है, 1500 आई थिंक। देखो मुझे पता नहीं, हो सकता है 1500, क्योंकि हमारे ये मैनेजमेंट हेड MD सर ने परचेस किया हुआ है मेरे लिए, तो ये मुझे पता नहीं, हो सकता है 1500 या 2000 के आसपास रकम हो, पर इसने मुझे एक बार में डबल पैसे कमा के दे दिए। आप सोचिए, मैं आप खुद बताइए, अगर आप 11 प्रो मैक्स को बनाएंगे और उसका डैड बनाएंगे तो आप कितने लेंगे? 1000-1200 तो लेंगे नहीं, 2000 तो लेंगे नहीं। 11 प्रो मैक्स है, एक 30,000-40,000 के ऊपर का फ़ोन, तो ऑब्वियस है कि आप 3000 तो चार्ज करेंगे ना कस्टमर को। सो ये 3000 मुझे दे करके जा रहा है। सो थैंक यू वेरी मच मैकेनिक, एंड थैंक यू वेरी मच ZX मलिक, जिन्होंने मुझे ये दिया है। एंड अगर आपको ये परचेस करना है तो उसको ले लीजिए।
और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा वीडियो बताएगा ज़रूर, और बहुत सारे वीडियो मैं आपके लिए और ऐसे प्रैक्टिकल भी लेते आऊँगा, और कोशिश करूँगा कि प्रैक्टिकल के साथ ज़्यादातर थ्योरी लाऊँ, क्योंकि जितना आप थ्योरी में समझोगे प्रैक्टिकल तो हैंड स्किल का काम है, वो तो आप कर ही लोगे। और अगर आपको नहीं आता है तो आप रिपेयरिंग ज्वाइन करो, आप हमारे पास आइए, हमें कॉल लगाइए 7007311192 पर और 9644139972 पर, और हमारी सीटों को बुक कीजिए। मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं आपको ये दे सकता हूँ कि मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 4 दिन की। अगर आपको 4 दिन में लगेगा कि आपको कुछ नहीं सीखा है, आपको लग रहा है कि जो वीडियो में दिखाते हैं वो ऐसा है नहीं है, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं पूरी फीस के साथ, इससे बड़ी गारंटी क्या होगी। और दोस्तों मैं सच बताऊँ आपको हर चीज़ की गारंटी मैं दूंगा जब आप आएंगे इसे टेलीकॉम। तो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग। तो चलिए दोस्तों अब इसको खोल के दिखाता हूँ मैं कि इसके अंदर क्या है। अभी मैंने इसी डिवाइस से ये फ़ोन को रिपेयर किया है, 11 प्रो मैक्स ये फ़ोन, ठीक है। इसको खोलने के लिए मैं जो टूल यूज़ करूँगा वो यूज़ करूँगा 2UUL का, ये भी ZS मलिक सर से मैंने ख़रीदा है, ठीक है। काफ़ी अच्छे टूल हैं इसमें, ये देखिए। यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, आपको यहाँ पर हर एक पर एक साइन देखने को मिलेगा, जैसे स्क्रू होगा वैसा ही आपको साइन देखने को मिलेगा। सो ये साइन के अकॉर्डिंग आप अपना स्क्रू निकाल सकते हैं स्क्रू ड्राइवर। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या है, मैंने इसको ओपन किया हुआ है। सो बेसिकली आप देखिए इसके अंदर एक डबल बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और इसके अंदर एक सर्किट बनाया हुआ है, एक मॉसफेट लगाया हुआ है इसके अंदर। मैं आपको यहाँ से दिखा देना चाहता हूँ, ये देखिए ये एक मॉसफेट लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं एक मॉसफेट लगा है, और इसके अंदर एक ESD IC है, कोड रजिस्टर है, कुछ फ्यूज़ डाले गए हैं, और एक वोल्टेज रेगुलेटर IC लगाई है इसके अंदर, और इसका इनपुट दिया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ से 5 वोल्ट इनपुट होकर इस फ्यूज रजिस्टर से होते हुए, ठीक है, इस यहाँ पर एक प्रोटेक्शन IC के साथ में, फिर ये वोल्टेज को कंट्रोल करिए, एम्पियर को कंट्रोल करिए, जैसे कि आप 30 एम्पियर हैं तो ये इसको कंट्रोल करने के लिए डिवाइस लगाया गया है, और ये एक इन आउट के लिए एक मॉसफेट लगाया गया है, नोटिस कीजिए इन आउट के लिए। सो ये मॉसफेट का ये मॉसफेट यहाँ पे काम कर रहा है। तो इस सर्किट के अंदर केवल यही चीज़ डाली गई है और ये बैटरी है। अगर मान लो इन केस कभी सर्किट काम ना करे तो आप इसको खोल के इसको रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना चार्जिंग सॉकेट देख लीजिएगा, फिर उसके बाद जो उसकी इनिशियल लाइन होती है सबसे प्राइमरी लाइन है वो चेक कीजिएगा, जैसे कोड रजिस्टर हो गया या IC हो गई, ये फ्यूज़ चेक कर लीजिएगा, फ्यूज़ भी उठ सकते हैं। तो फ्यूज़ को मैं हमेशा बोलूँगा आप कभी जंपर ना मारें उस पर, एक सेकेंडरी एक दूसरा फ्यूज़ लगाएं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो ख़राब होगा या जो जलेगा वो पार्ट ये है, ये आप ट्रांजिस्टर देख रहे हैं ये, ठीक है, और उससे भी ज़्यादा ये फ्यूज़ ओपन हो सकते हैं। और ये 2 LED लगी हुई है यहाँ पर, ये देखिए ये कुछ ऐसा लगा हुआ है। सो यहाँ पर ये देखिए ये 2 LED लगी हुई हैं, एक कोड रजिस्टर है, दो एक कैपेसिटर्स लगा हुआ है, एक रजिस्टर है यहाँ पर, और बाकी नॉर्मल सर्किट है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब मैं इसको पैक कर देता हूँ। मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?